तो दोस्तों अगर आप आपका एलईडी टीवी को कनेक्ट करना चाहते हो सेट टॉप बॉक्स के साथ, कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स, स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स, या फिर आपका केबल सेट टॉप बॉक्स, या फिर टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, कोई भी सेट टॉप बॉक्स से अगर कनेक्ट करना चाहो, ऐसे में इस कनेक्शन को आप कैसे करोगे और इस कनेक्शन का करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट कनेक्शन का प्रोसेस। एलईडी टीवी चाहे एलसीडी टीवी को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी भी सेट टॉप बॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऑलवेज आपको टीवी एंड डीटीएच रिलेटेड वीडियोस का अपडेट मिलता रहता है। सो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। जैसे कि यह एक एचडी सेट टॉप बॉक्स है, हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स, और इस बॉक्स का पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो केबल लेयर है डिश एंटीना से आएगा, या फिर केबल लाइन का जो भी केबल लेयर यहाँ पे कनेक्ट होगा, और यहाँ से आपको ऑडियो वीडियो लीड से आप कनेक्ट कर सकते हो आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स को, एलईडी टीवी हो चाहे एलसीडी टीवी का साथ में, या फिर सीआरटी टीवी का साथ में। बट यहाँ पर जो एक एचडीएमआई इनपुट देख रहे हैं ना, इससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एलईडी एलसीडी को एचडी पिक्चर्स को देखने के लिए। तो यहाँ से चलिए हम आगे कनेक्शन का प्रोसेस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कनेक्ट करेंगे। जहाँ ऐसे यहाँ पर जिसे एचडीएमआई इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है टीवी का बैक साइड में, उसी टाइप से आपको एचडीएमआई इनपुट एक ऑप्शन रहेगा टीवी का बैक साइड पे। और यहाँ पर जैसे जो तीनों पिन शो हो रहा है ना आपको, जब पीला सफ़ेद एंड रेड का, ये ठीक उसी टाइप से कोई ना कोई पिन शो होगा टीवी का बैक साइड में। कुछ टीवी का बैक साइड पे रहता, कुछ टीवी का नीचे रहता, कुछ टीवी का साइड पे रहता, तो कहीं भी आपको होगा आपको कनेक्शन उसी का साथ ही जुड़ना है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिया एक टाटा प्ले का कुछ पुराना मॉडल का एचडी सेट टॉप बॉक्स, हाई डेफिनेशन सेट टॉप बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में भी कनेक्शन बस सब बराबर होता है, एक ही होता है। यहाँ पर देखिए एक एचडीएमआई आउटपुट है, और यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो लीड कनेक्ट होगा यहाँ से, और ये दो कनेक्शन तो कोई काम फिलहाल नहीं दे रहा है। तो और यहाँ से देखिए आपका केबल लेयर यहाँ पे कनेक्ट होगा, और बगल वाला एडोप्टर, पावर एडोप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एचडीएमआई केबल को कनेक्ट करना है आपका सेट टॉप बॉक्स के साथ में यहाँ पर, ठीक है। तो और ये देखिए मैंने एक सोनी का एलईडी टीवी लिया हुआ है, तो आज कनेक्शन करेंगे हम एचडीएमआई केबल से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एचडीएमआई केबल को कनेक्ट करना है, ठीक है। आपका सेट टॉप बॉक्स के साथ जो आएगा एचडीएमआई केबल, इसी को यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पिक्चर देखना चाहते हो तो ऑडियो वीडियो लीड से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले एचडीएमआई केबल को यहाँ पर कनेक्ट। चलिए हम आप सेट टॉप बॉक्स के किसी भी, मतलब एचडीएमआई केबल का किसी भी साइड को आप कनेक्ट कर सकते हो। एचडीएमआई केबल को किसी भी साइड को यहाँ पर कनेक्ट करें एचडीएमआई इनपुट पे, और यहाँ से देखिए ये एक्चुअली आउटपुट होता है सेट टॉप बॉक्स का, पीछे से जो रहता ये, यहाँ पे आपको एचडीएमआई केबल को कनेक्ट करना है, और उसी केबल का जो अगला हिस्सा होता है, अगला साइड होता है, इसे कनेक्ट करना है आपका टीवी का बैक साइड में, नीचे या फिर कोई भी साइड पे इसे रहेगा एचडीएमआई इनपुट, इस पर आपको कनेक्ट कर देना है। हर एक टीवी में अलग अलग, टीवी में अलग अलग साइड पर रहता, तो आपको थोड़ा सोच समझ के कर देना है कनेक्शन, बट ये कनेक्शन रहता ही है, तो आपको थोड़ा ढूंढ के देख लेना है किस साइड पर है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इसे ऐसे कर दिया कनेक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो केबल आया है डिश एंटेना से कुछ पिक्चर वगैरह मिलने के लिए इसे सिग्नल सप्लाई देना ज़रूरी है। सो मेरा डिश एंटेना से आने वाला जो केबल आया है इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, सेट इन लिखा रहेगा, या फिर आई एफ इन ऐसा कुछ लिखा रहेगा, और इसी पर कर देना है आपको कनेक्ट, ठीक है। और ये कनेक्शन होने के बाद सेट टॉप बॉक्स को कनेक्शन करके चालू करने के लिए पावर का ज़रूरत है। सो ये पावर अडेप्टर से सेट टॉप बॉक्स को देना है पावर सप्लाई। तो अभी ये पावर अडेप्टर का इस पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है आपको। देखिए 12 वोल्ट इन रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे कर देना है आपको पावर अडेप्टर को कुछ इस तरह से कनेक्ट, ठीक है। ये भी कनेक्शन हो गया। अभी क्या करना है, पावर सप्लाई देना है इनमें, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने ये पावर अडेप्टर यहाँ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से स्विच को ऑन कर देना है दोनों का, टीवी एंड सेट टॉप बॉक्स दोनों ऑन कर देना है यहाँ से, ठीक है। टीवी मेरा ऑन हो चुका है यहाँ से, अब सेट टॉप बॉक्स को भी एक बार ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला स्विच प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब सेट टॉप बॉक्स पे भी देखिए यहाँ से मेरा लाइट जलने लगा, यहाँ पे आ गया। अब कुछ सेकंड का वेट करना है, हालांकि स्क्रीन आने में कुछ सेकंड का टाइम लग जाता है सेट टॉप बॉक्स एक बार लोडिंग होकर स्टार्टिंग होने में, तो कुछ देर तक वेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लीज वेट आ चुका है। अगर कनेक्शन करने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ ना आए, देन आप सोर्स को सिलेक्ट करें। यहाँ से सोनी टीवी हो तो ये वाला बटन को प्रेस करके एचडीएमआई 1 2 आप जिसने कनेक्ट किया उसी को सिलेक्ट करें, और अलग अलग टीवीज़ पे अलग अलग सोर्सेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ में ये भी लिखा रहता है, कुछ में इनपुट, कुछ में अलग अलग लिखा रहता है, सोर्सेस लिखा रहता है।
तो यहाँ से मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मेरा पिक्चर्स भी चलने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक करें। मिलते हैं फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।